हेलो एवरीवन, हम फाइनली पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड में और यहाँ पर इतना खूबसूरत जगह है एयरपोर्ट के पास भी। अब जब हम जा रहे हैं ट्रैम्प लेने, उससे फिर हम जाएंगे अपने होटल और होटल जाकर फिर हम चेक इन करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, यहाँ की ठंड और इंडिया की ठंड में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने केवल ये नॉर्मल सा जैकेट से ज़्यादा नहीं कैरी कर रखा है, उस लेवल की ठंड यहाँ नहीं लग रही है। अभी तो एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर ही निकले, बाहर जाएंगे तो फिर हम आपको बताते रहेंगे। बहुत ही सुंदर जगह है गाइस, इतने और यहाँ की ठंड में और इंडिया की ठंड में थोड़ा फर्क है राइट। यहाँ की जो ठंड है ना वो कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप की है। मतलब आप अगर आएंगे ना, जो अभी आप प्लान करते हैं अपने फैमिली के साथ, तो तब आप देखेंगे यहाँ की ठंड और इंडिया की ठंड में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लीन हवा, एकदम प्रॉपर, नो पोल्यूशन, बहुत मज़ा। हम आ गए हैं अपने होटल में चेक इन करने के लिए, जिसका होटल का नाम है IBIS ज्यूरिख, जो कि एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम आपको लेके जाएंगे सेंट्रल मार्केट अभी थोड़ी ही देर में, और ये देख लीजिए होटल। सो गाइज, हम आ गए हैं सिटी सेंट्रल मार्केट, जो कि ज्यूरिख की मेन मार्केट है। तो आप देख सकते हैं पीछे ये ओवरऑल सब पूरी सिटी में ट्राम्स चलते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल कंट्री, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर जगह कोई कैसे हो सकती है। देख सकते हैं आप ये पीछे की मार्केट, मैकडी में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, और मेन बात यह है कि जहाँ हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में, हम यहाँ बैठे हैं स्ट्रीट पे राइट, मैकडी बिल्कुल उस पर है। तो हम यहाँ पर रास्ते में ही ट्रेन चल रही है, और इतना गाइस सुंदर नज़ारा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत ही सुंदर है जनरली। अगर आप आओगे ना कभी, या मैं अपने ब्लॉग में पूरी वीडियोस डालूँगा, ये जो जिस हिसाब से हम यहाँ पे बराबर सड़क पर बैठे हुए हैं, इतना कूल माहौल है, और मतलब बहुत ही आई मीन मज़ा आ रहा है। इतना अच्छा पीसफुल एकदम एनवायरनमेंट है, और इट्स लाइक ऑसम प्लेस। हमने काफ़ी कंट्री में एक्सप्लोर करी है, बट इससे सुंदर अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। दिस इज जस्ट एक्चुअली कहते हैं स्विट्जरलैंड इस दुनिया का हेवन माना जाता है, एंड दैट इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली हेवन। एवरी व्हाट डू वी कॉल, हर जगह यहाँ की इतनी ब्यूटीफुल, इतनी नीट एंड क्लीन, पॉल्यूशन फ्री, एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल ओवर हेयर, एंड इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल, एंड वी आर लविंग दिस प्लेस टिल नाउ। तो आपको दिखाते रहेंगे, हम आगे चलते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सच में गाइस, लड़कियां तो क्या ही बोलूं, बहुत ही खूबसूरत है। It's like I can't walk on the ceiling. गाइज, हमारा ये डे वन है ज्यूरिख में, मतलब ये नाइट हो चुकी है। हम दोपहर तक पहुँचे थे और हम इतना ज़्यादा थक रहे थे, बट हमने सोचा एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके फीलिंग ही नहीं आ रही है रेस्ट करने की। हमने सोचा चल यार गिनी, फटाफट चलते हैं हम बाहर। तो हमने जो कपड़े पहन रखे थे उसी कपड़ों में हम बाहर निकल गए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा चलो यार ट्रैम से चलते हैं फटाफट। यहाँ पे जो ट्रैम्स हैं गाइज, वो रात को 11 बजे तक चलती है, मतलब पूरे ज्यूरिख में हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारे पास टिकट्स होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है। हम आ गए हैं, ये एक लेक बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लेक है ये। रात को इतने अच्छे से व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, ये देखिए आप।